मैंने रेफ्रिजरेटर के शू को एक एक्सटेंशन के साथ लगा दिया है जिससे मैंने नेगेटिव पॉजिटिव तारें लगी हुई हैं और पॉजिटिव वायर को मैंने क्लैंप मीटर से गुजार दिया है जो इसके अम्पेयर्स को कैलकुलेट करेगा। जब इनिशियली मैंने रेफ्रिजरेटर को ऑन किया और काफ़ी देर से ये ऑफ था तो ये अपनी फुल स्ट्रेंथ के ऊपर फुल पीक पर चल रहा था, मतलब ये फुल ठंडा करने की कोशिश कर रहा था। और उस सूरत के अंदर मेरे रेफ्रिजरेटर ने, जो एक मीडियम साइज़ का रेफ्रिजरेटर है, मैक्सिमम मैक्सिमम 0.43 अम्पेयर्स को कंज्यूम किया और नॉर्मली ये इन्हीं अम्पेयर्स के आसपास मूव करता जा रहा था। अब इसकी मैं कैलकुलेशन पहले कर लेता हूँ। 0.43 एम्पेयर्स को मैं 240 वोल्ट से मल्टीप्लाई कर दूंगा जो वाटमीटर में आ रहे होते हैं, और साथ में पावर फैक्टर होता है 0.9 का। इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो तकरीबन 93 वाट्स मेरा रेफ्रिजरेटर कंज्यूम कर रहा है पीक टाइम के ऊपर, जब ये मुकम्मल तौर पर ठंडा कर रहा था। मैंने इसका थर्मोस्टेट को तकरीबन 3-4 पर सेट किया था और 3-4 थर्मोस्टेट के अंदर इसने तकरीबन 1.5 घंटा लिया मुकम्मल तौर पर ठंडा होने और ट्रिप करने में। अगर आप इसका थर्मोस्टेट को बढ़ाएंगे तो इससे ज़्यादा टाइम भी ये कंज्यूम कर सकता है।